हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल एम के ऑनलाइन जानकारी में स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो हम बताने वाले हैं जो आप ज्वाइंट फ़ोटो कैसे बना सकते हैं, यानी कि दो अलग अलग फ़ोटो को एक साथ कैसे जोड़ करके आप पासपोर्ट साइज फ़ोटो में चाहे बड़े फ़ोटो में कैसे आप बना सकते हैं। तो हम पूरे आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं, तो वीडियो को पूरे देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम फोटोशॉप को ओपन कर लेंगे। कुछ इस तरह से हम फोटोशॉप ओपन कर लिए हैं। अब फोटोशॉप ओपन करने के बाद आप फोटोशॉप में जो भी फ़ोटो को ज्वाइंट करना चाहते हैं वो फ़ोटो को आप फोटोशॉप में ओपन कर लेंगे। तो चलिए ये दोनों फ़ोटो को हमको ज्वाइंट करना है, तो इसे हम ओपन कर लेते हैं फोटोशॉप में। कुछ इस तरह से ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद सबसे पहले आपको क्या करना होगा, जो भी दोनों फ़ोटो को जो है आप पासपोर्ट साइज में या जो भी साइज में आपको क्रॉप करना है वो क्रॉप सबसे पहले कर लेंगे। तो हमको पासपोर्ट साइज फ़ोटो बनाना है, इसलिए पासपोर्ट साइज में इसे हम क्रॉप कर लेंगे। तो यहाँ पर हम क्रॉप करने के लिए यहाँ पर क्रॉप टूल ले लेंगे और इसका जिसका शॉर्टकट की है सी, और यहाँ पर 33 mm और यहाँ पर हाइट में 43 mm डाल देंगे। रेगुलेशन आपको यहाँ पर 300 कर देना है और इसे हम पासपोर्ट फोटो साइज में काट लेंगे। दोनों फोटो को हम पासपोर्ट साइज में काटेंगे और इसके बाद हमको क्या करना होगा, नया पेज लेना होगा। तो नया पेज यहाँ से हम कंट्रोल एन से भी ले सकते हैं, या आप यहाँ से फाइल में जाकर न्यू पेज पर क्लिक करके नया पेज ले लेंगे और ओके कर देंगे। तो यहाँ पर 4x6 पेपर ले लेते हैं। अगर आपको A4 लेना है तो A4 भी ले सकते हैं, कोई भी पेपर आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। तो चलिए हम 4x6 ही ले लेते हैं और ओके कर देंगे। कुछ इस तरह से हमारा नया पेज ओपन हो गया है। और सबसे पहले हमको क्या करना है, जो भी नया हम पेज लिए हैं इसे हम कलरफुल कर लेंगे ताकि दोनों को अटैच करने में, ज्वाइंट करने में अच्छा हो। तो इसको हम कलरफुल करेंगे, इसके लिए हमको मैजिक वन टू लेना है और इस पर क्लिक करेंगे तो सेलेक्ट हो गया, या आप कंट्रोल ए से भी और सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये सेलेक्ट हो गया है। अब जो भी बैकग्राउंड हमको रखना है वो बैकग्राउंड यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे। तो चलिए यहाँ से हम बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेते हैं। हमको रेड लेना है तो रेड हम सेलेक्ट कर लिए हैं, ओके कर देंगे और डिलीट बटन दबाएंगे तो ये पेज कलरफुल रेड कलर में हो गया है। अब इसे अनसेलेक्ट करना है, क्रॉप टूल इस पर क्लिक करेंगे, लेफ्ट क्लिक तो अनसेलेक्ट हो जाएगा। और जो भी फ़ोटो को हमको बनाना है उसे हम मूव करके ये जो नया वाला पेज लिए हैं इसमें हम डालेंगे। तो मूव करने के लिए आपको यहाँ से मूव टूल लेना है जिसका शॉर्टकट की है V। तो चलिए ये लेडीज वाला फ़ोटो हम इसमें मूव करके डाल देते हैं जो नया पेज लिए हैं इसमें। उसके बाद ये जेंट्स वाले फ़ोटो को भी हम इसी में डालेंगे। दोनों को डालने के बाद इसे हम पेज को मैक्सिमाइज कर लेंगे और नज़दीक कर लेंगे ताकि ज्वाइंट करने में आसानी हो। तो दोनों फ़ोटो को डाल दिए हैं, अब इसे हम कंट्रोल और प्लस से नज़दीक कर लेते हैं ताकि हमें देखने में, ज्वाइंट करने में अच्छा हो। तो इसे इस तरह से हम दोनों फ़ोटो को एक साथ अटैच करेंगे नज़दीक करके एरो के माध्यम से, या आप माउस से भी कर सकते हैं। तो पूरे आराम से इसे पॉइंट्स कर लेना है ताकि गैपिंग ना लगे। और इस तरह से पॉइंट करने के बाद देख पाएंगे जो कि दोनों अटैच हो गया है। अब इसे हम पासपोर्ट साइज फ़ोटो में क्रॉप कर लेते हैं। तो इसके लिए हमको क्रॉप टूल लेना है और साइज पासपोर्ट साइज का जो साइज है आपको वही रहने देना है, 33 mm और 43 mm, रेगुलेशन 300 रखना है और इसे हम क्रॉप कर लेंगे। तो इस तरह से हम क्रॉप कर लेते हैं क्रॉप टूल के माध्यम से। तो इसे हम पॉइंट्स करके पूरे हम क्रॉप कर लिए हैं, उसके बाद इंटर कर देंगे। तो ये दोनों फोटो पासपोर्ट साइज में क्रॉप हो गया है। इसे हम रोटेट करके सीधा कर लेते हैं
रोटेट करने के लिए आपको इमेज में जाना है, रोटेट कर पर क्लिक करना है और इसे रोटेट कर देना है। ये तो मेरा फोटो ज्वाइंट हो गया है। अब हम देख पाएंगे जो कि यहाँ पर एक का बैकग्राउंड रेड है, एक का ब्लू है, तो दोनों का बैकग्राउंड सेम करना है। इसके लिए हमको क्या करना होगा, सबसे पहले दोनों को अटैच एक साथ करेंगे, बैकग्राउंड और फोटो दोनों को। इसके लिए हमको इमेज में जाना है, मोड में क्लिक करना है और लैब कलर पर क्लिक कर देंगे और इस पर हम फ्लैटन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद फिर इमेज में ही जाना है, मोड में जाना है, आरजीबी कलर पर क्लिक करना है। तो ये आप देख पाएंगे जो कि सब अटैच हो गया है। अटैच होने के बाद आपको क्या करना है, मैजिक वन टू लेना है, ये रेड वाले कलर को सेलेक्ट करेंगे, फिर ये ब्लू वाले कलर को, और अगर अलग अलग कलर है तो आप यहाँ से मैज ये लासो टूल लेंगे और लासो टूल के मदद से अगर दूसरे कलर है तो इसे हम लासो टूल के मदद से सेलेक्ट कर लेंगे। सिर्फ बैकग्राउंड का आपको सेलेक्ट करना है और सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, सेलेक्ट में जाना है, फैदर पर क्लिक करना है और यहाँ परसेंटेज डालने के बाद जो है यहाँ परसेंटेज 2% डाल दिया, ओके कर देंगे। फिर जो भी हम आपको बैकग्राउंड रखना है वो आप यहाँ से बैकग्राउंड सेलेक्ट करेंगे। तो हमको रेड ही रखना है तो रेड यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे और डिलीट दबाएंगे तो ये दोनों का सेम बैकग्राउंड हो गया। अगर ब्लू डालना है तो आप ब्लू यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे, डिलीट दबाएंगे तो ब्लू हो जाएगा। तो आपको जो भी बैकग्राउंड कलर रखना है वो कलर आप रख सकते हैं। तो इस तरह से फ़ोटो को, दोनों फ़ोटो को एक साथ अटैच आप आसानी से कर सकते हैं। अगर फिर भी आपको किसी तरह का दिक्कत हो रहा है तो आप हमें कमेंट करके, कमेंट के माध्यम से जानकारी ले सकते हैं। तो ये तो ज्वाइंट हो गया, अब हमको क्या करना है, पासपोर्ट साइज में इसको हम प्रिंट करेंगे। इसके लिए हमको क्या करना होगा, यहाँ पर फोटो में सबसे पहले आप देखते होइएगा जो यहाँ पर बॉर्डर लगा रहता है तो इसमें हम बॉर्डर डाल देते हैं जिससे देखने में और अच्छा लगे। इसके लिए हमको सेलेक्ट में जाना है, ऑल सेलेक्ट कर देना है और फिर सेलेक्ट में ही जाना है, मॉडिफाई पर क्लिक करना है। यहाँ पर बॉर्डर लिखा हुआ है, बॉर्डर 1% डाल देंगे जिससे कि पतला बॉर्डर लगे, ओके कर देंगे। और बॉर्डर यहाँ पर जो भी कलर आपको रखना है बॉर्डर, वो बॉर्डर का कलर यहाँ सेलेक्ट करेंगे और ओके करेंगे और फिर डिलीट बटन दबाएंगे तो बॉर्डर लग जाएगा। अब हमको क्या करना है, चाहे आप 4x6 पेपर पर या A4 पर जो भी पेपर पर निकालना चाहते हैं प्रिंट वो निकाल सकते हैं। तो हम दोनों साइज में आपको बता देते हैं। तो इसके लिए हमको फाइल में जाना है, न्यू पेज लेना है और यहाँ पर अगर आप A4 पर निकालते हैं तो यहाँ से आप A4 पेपर सेलेक्ट करेंगे या 4x6 पर निकालें तो 4x6 सेलेक्ट करेंगे। तो हमको 4x6 पर पहले निकाल के आपको बताते हैं। तो 4x6 सेलेक्ट कर लेते हैं, ओके यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये नया पेज मेरा ओपन हो गया है। अब जो भी फ़ोटो हम ज्वाइंट किए हैं कंप्लीट, इसे हम मूव टूल के माध्यम से मूव करके नया वाले पेज में डालेंगे, फिर अल्ट दबा के रखेंगे और इसे मूव करेंगे, 2 हो जाएगा। फिर कंट्रोल इसे अटैच दोनों कर लेना है, फिर 2 निकालना है, 4 हो गया। अगर 4 ही निकालें तो 4 हो गया। फिर अगर 8 निकालना है तो इसे आप जो है अल्ट दबा के मूव करेंगे, 6, 8 ऐसे आप बना सकते हैं। तो ये तो 4x6 में बता दिया है। अगर आपको A4 पर निकालना है तो A4 का भी सेम प्रोसेस है, आपको न्यू पेज लेना है यहाँ से और यहाँ पर A4 पेपर साइज सेलेक्ट करेंगे और ओके पर क्लिक करेंगे तो ये मेरा नया पेज A4 में ओपन हो चुका है। और इसे फिर मूव टूल के माध्यम से ही जो भी फोटो बनाए उसे हम A4 वाले पेपर पर मूव करके डालेंगे तो ये मेरा एक फ़ोटो हो जाएगा। फिर अल्ट दबा कर रखेंगे, मूव करेंगे, 2 हो जाएगा। फिर अल्ट दबा कर रखेंगे, 3 हो जाएगा। इस तरह से जितना भी फ़ोटो आपको बनाना है वो मूव करके आप बना सकते हैं। जैसे कि अगर 4 फोटो बन गया है, अगर चारों को एक साथ अगर अटैच कर देते हैं आप तो एक ही बार में 4 फोटो और बन जाएगा। जैसे कि कंट्रोल ई से अटैच करेंगे तो 2 अटैच हो गया, यहाँ पर आप देख पाएंगे जो कि कॉपी 2 लिखा रहा है। फिर एक बार अटैच करेंगे तो 1 बता रहा है, फिर अटैच करेंगे तो
वन बता रहा है, चारों अटैच हो गया, फिर अल्ट दबा के रखेंगे तो ये चार हो जाएगा, फिर कंट्रोल ई से अटैच करेंगे तो ये आठ हो अटैच हो गया। तो इस तरह से अटैच आप करके जो भी साइज में आप जितना फ़ोटो बनाना चाहते हैं वो आसानी से आप बना सकते हैं। और तो हम बहुत ही इजी स्टेप में आपको बताएं जो कैसे आपको ज्वाइंट फ़ोटो बनाना है, दोनों को कैसे अटैच करना है, कैसे बॉर्डर डालना है, और जो भी पेज पर आपको सेटअप करके निकालना है वो आप निकाल सकते हैं। ये तो कंप्लीट प्रोसेस हो गया पेपर तक सेट करने का। अगर आपको प्रिंट भी करना है तो आप यहाँ से फाइल में जा करके प्रिंट, जो भी प्रिंटर आपका है वो प्रिंटर यहाँ सेलेक्ट करेंगे और ओके करके आप प्रिंट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इजी स्टेप में आप ज्वाइंट फ़ोटो आप बना सकते हैं, दो अलग अलग फ़ोटो या तीन अलग अलग। तो सारे को आपको लेयर याद रखना है, जो लेयर मेन होता है, जो लेयर आपको याद रखना है, और लेयर अगर आप समझ गए तो ज्वाइंट फ़ोटो आसानी से बना सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये जानकारी पूरे इजी स्टेप में आप समझ गए होंगे। अगर फिर भी अगर किसी तरह का आपको प्रॉब्लम आ रहा है तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जानकारी ले सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।